नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मेरे एक वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारा एक छोटा सा फार्म है, आज मैं वहीं आई हूँ तो सोचा कि उन्हें इसका वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे तो हम यहाँ डेली आते हैं, शाम को 3-4 बजे आते हैं, रात को 8-9 बजे तक रहते हैं, क्योंकि यहाँ अभी समर सीजन दिन काफ़ी बड़े होते हैं, इस वजह से रात में 8:30-9 बजे तक बाहर रोशनी होती है, इसलिए बाहर रहना अच्छा भी लगता है। साथ ही आप देख सकते हैं आज भी मौसम बहुत अच्छा है, कितनी हवा चल रही है, धूप भी खिली हुई है, हल्की हल्की सी ठंड है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। इस फार्म में हम पिछले 1 महीने से ही आ रहे हैं, यहाँ काफ़ी काम करना पड़ता है। अब पता चलता है कि फार्मर्स कितना काम करते हैं, हम लोग तो उतना कर नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो पौधे हमने लगाए हैं वो अच्छे हो जाए, उनमें सब्जियाँ आ जाए, फूलों के पौधों में अच्छे फूल आ जाए। इसके अलावा हम लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ भी यहाँ करते रहते हैं, कभी खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनती है, मेरा बेटा है वो यहाँ खेल रहा होता है, पौधे लगाते हैं, पौधों में पानी डालना, ज़मीन सीधी करना, बहुत काम होते हैं जो हम लोग यहाँ करते रहते हैं, जिससे हमारा समय भी अच्छा बीतता है। और मैं इन सब का एक छोटा छोटा क्लिप बना के रखती हूँ और उन्हीं सब को जोड़कर एक पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ मैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। यहाँ समर सीज़न में फार्मिंग की जाती है, इसलिए आसपास के खेत हरे भरे हैं। हमें यहाँ के मौसम और पौधों की ज़्यादा जानकारी नहीं है, धीरे धीरे सब समझकर यहाँ काम कर रहे हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों और महीनों में हमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसलिए मेरा ये फार्म पार्ट 1 है। आने वाले महीनों में मैं इसका और एक वीडियो बनाऊंगी। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हमने करीब 1 महीने पहले छोटे छोटे गमलों में बीज लगाए थे, जो कि अब पौधे बन चुके हैं। हम इन पौधों को छोटे गमलों से ज़मीन में लगा देते हैं, जिनसे इन पौधों को ग्रो होने के लिए जगह मिल जाए। लेकिन कुछ पौधों को हमने बकेट्स में लगाया है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जिससे पौधे सूखने लगते हैं। यहाँ विंटर्स में स्नोफॉल भी होता है, तो जब ज़्यादा ठंड होगी हम इन बकेट्स को अपने घर के टेरेस में शेड लगाकर रख देंगे, जिससे ये पौधे कुछ और दिनों तक अच्छे रहेंगे। हम यहाँ जिस दिन जल्दी आते हैं उस दिन कुछ खाने के लिए बनाते हैं, जैसे यहाँ पूरियाँ तली जा रही है, घर से छोले बनाकर लाए हैं और इस खुले आसमान के नीचे बहुत मजे से हम छोले पूरी खा रहे हैं। यहाँ के मौसम के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी आपको यहाँ धूप नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई थी जिस वजह से ठंड हो गई है, तब इस तरह आग जलाकर हम आसपास बैठ जाते हैं। ये डेली नहीं होता, कभी कभी होता है। आदित्य को इस फार्म में आना बहुत पसंद है, क्योंकि उसे खुली हवा में खेलने का मौका मिलता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, किसी को भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर में कैद हो गए हैं। यहाँ आदित्य अलग अलग तरह के खेल खेलता है, तो उसका भी समय अच्छा बीतता है। सच तो ये है, हम यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं, यहाँ दिन भर काफ़ी मस्ती होती है। शाम को भूख लगने लगती है उस दिन हम चिकन, आलू, शकरकंद, कैप्सिकम, टोफू, पनीर, मतलब जो भी मिल जाए, उस दिन शाम को बारबेक्यू होता है, इसी से हमारा डिनर भी हो जाता है। बैठने का मन करता है तब चाय या कॉफी बनाते हैं, चाय कॉफी पीते हुए गपशप करते हैं। कभी कभी हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, हम उनके साथ बैठकर चाय कॉफी
या खाने का मजा लेते हैं। हमारे कुछ और फ्रेंड्स भी फार्म आना चाहते हैं, लेकिन हमने सबको एक महीने बाद आने के लिए कहा है। तब तक यहाँ काफी हरियाली हो जाएगी, पौधे भी बड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट मंथ से यहाँ स्कूल में समर वैकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो बच्चे भी एंजॉय कर सकेंगे। यहाँ जो मशीन देख रहे हैं, इसे टीलर कहते हैं। इस मशीन को चलाना सबसे मेहनत का काम। ये फार्म जहाँ है, ये प्राग सिटी का बाहरी इलाका है। आसपास खेत है, जंगल है, एक पॉन्ड है। यहाँ के रास्ते छोटे हैं, इसलिए फोर व्हीलर नहीं आती। इसलिए यहाँ लोग साइकिलिंग, स्केटिंग, वॉकिंग करते हैं। चारों तरफ बहुत हरियाली है। इन रास्तों से चलना बहुत अच्छा लगता है। रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियों में रंग बिरंगी फूल खिले हैं। इस तरह हम अपना दिन इस फार्म में बिताते हैं, जिससे हमें समय का पता नहीं चलता। एक महीने से ज्यादा समय हो गया है हम यहाँ आते हैं, लेकिन फिर भी हर दिन हमें यहाँ आना अच्छा लगता है। हम यहाँ पूरे दिन जो भी काम करते हैं, इससे हमें थकान हो जाती है, लेकिन अगले दिन हम फिर आ जाते हैं। तो आपको मेरा ये फार्म या वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।